अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी जोहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी रेमेडीज बाय जोहा। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि आज तो आपकी बाजी ने ये क्या दुकान लगाई हुई है आटे की, बेसन की, कॉफ़ी की। ये कोई दुकान नहीं है। आज मैं आपके साथ हैंड वाइटनिंग पाउडर शेयर करना जा रही हूँ। हैंड वाइटनिंग खैर बहुत से रेमेडीज़ और भी यूट्यूब पर है जो कि अच्छी हैं, इफेक्टिव हैं, लेकिन क्या होता है कि रेमेडी रोज़ाना बनाने से अलकस्सी आती है। मुझे तो खैर बहुत ही आती है, मैं कोई भी रेमेडी डेली नहीं बना सकती जोड़ तोड़ करके। तो मैं कोशिश करती कोई ऐसी रेमेडी हो जो मैं बना के रख लूँ और एक महीने तक आराम से इस्तेमाल करते रहूँ। तो आज मैं ऐसे ही अपनी इस्तेमाल करने वाली रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिसके आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि हाथ साफ सुथरे होंगे, टैन नहीं होगा, रिंकल नहीं होंगे, तो क्या होता है वो भी हमारी शख्सियत को निखारते हैं। अगर हमारा चेहरा साफ है और हाथ और पाँव डल हैं, ब्लैक हैं, साफ हैं, तो खैर वो तो फिर कुछ और ही लुक आता है। खैर हम बातें को करते हैं स्किप और वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। और अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, ती सी भी, तो एक दफ़ा लाइक तो लाजमी स्टार्ट करते हैं। हैंड वाइटनिंग पाउडर के लिए जो है हम सबसे पहले लेंगे चावलों का आटा। अच्छा, जो मिकदार मैं आपको बता रही हूँ आपने वही मिकदार लेनी, सबकी इक्वल मिकदार लेनी, किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा नहीं करना। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ जो है 10 दिन का ये पाउडर, आप इसको महीने का भी बना सकते हैं, 2 महीने का बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल 10 दिन का बना रही हूँ क्योंकि मुझे किसी को गिफ्ट करना है। तो ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच चावलों का आटा। आप देखें चावलों का आटा कितना फाइन है। अगर आप चाहते हैं मैं इतना फ़ाइन आटे का तरीका आपको भी बताऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको लाजमी शेयर करूँगी कि आटा मैं कैसे बनाती हूँ। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि चावलों का आटा जो है वाइटनिंग प्रॉपर्टीज रखता है, हमारे स्किन के रिंकल्स और फाइन लाइन को भी दूर करता है, एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद हम लेंगे ऑल पर्पस आटा जो कि हमारे घर में होता है, चक्की का आटा, सिर्फ आपने वो लेना है। व्यूवर्स आप यकीन नहीं करेंगे, आप सिर्फ चक्की के आटे को दही में मिला के लगा लेंगे अपने चेहरे पर, आपके स्किन पर इंस्टेंट ग्लो आएगा, इंस्टेंट ग्लो। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे 2 चम्मच बेसन। अच्छा, हमने आटा 2 चम्मच लिया है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 चम्मच बेसन ग्राम फ्लोर। अब ये हो गया इसमें, अब ये सारी चीज़ें वो हैं जो वाइटनिंग प्रॉपर्टीज रखती हैं, स्किन को वाइटनअप और ब्राइटनअप करने का काम करती हैं। अब हमें चाहिए ऐसी चीज़ जो हमारी स्किन को स्क्रब करे और हमारे हाथों की डेड स्किन को रिमूव कर दे। तो इसके लिए हम ऐड करेंगे तकरीबन ये सारी कॉफ़ी, तकरीबन 2 चम्मच ही है। ठीक है, मैंने देखे बिल्कुल इसके दाने पतले नहीं किए हैं, जैसे मोटे हैं वैसे ले रही हूँ, क्योंकि हमने स्क्रब के तौर पर इसको ऐड करना है। ये मैंने ऐड कर दी है। अब मैं आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये पाउडर मैं बना के अपना स्टोर कर लूँगी। अब इस पाउडर को लगाना कैसे बहुत आसान है, मैं आपको बताती हूँ। एक चीज़, ये पाउडर आपने डेली लगाना है, स्किप नहीं करना। तकरीबन 7 दिन तक आपने डेली लगाना है, देन फिर आप वीक में इसको 4 दफ़ा या 3 दफ़ा भी लगा सकते हैं, बट 7 दिन आपने डेली लगाना है। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने जो है तकरीबन 1 स्पून पाउडर लेना है किसी खाली बाउल में। ठीक है, अब आप इस पाउडर को अड़के गुलाब में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको दही में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको दूध में भी बना सकते हैं। 3 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, अड़के गुलाब, दही और दूध। आपने इसका पेस्ट बनाना है, देन आपने अपने हैंड पे यानी अपने दोनों हाथों पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, देन आपने इसको अपने हाथों पे रब करके उतारना है। मीन्स आपने इसको वॉश नहीं करना, आपने इसको रब करके उतारना है। जब आप रब करके उतारेंगे देन आप अपने हाथों को वॉश कर दें, किसी भी किस्म का मॉइस्चराइजर लगा लें, अगर मॉइस्चराइजर नहीं है तो कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, एलोवेरा जेल लगा लीजिए। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। और एक और चीज़, हर उम्र के बच्चे, बच्चियाँ, मेरे भाई बहनें सब लगा सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें नेचुरल हैं, किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं होंगे। आप बोल रही होंगी बाजी तो बहुत बोल रही है, वीडियो लंबी कर रही है, तो इसको अच्छा एक चीज़, आप इसको किसी जार में सेव करके रख लीजिए, 1 महीने के लिए रख लें, 2 महीने के लिए रख लें, कोई गल नहीं है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो उसे सोच रहे होगे एंड में चीज़ें याद आ रही हैं बाजी को, खैर चलो जी ठीक है, ये मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसको सेव करके रख देंगे और मेरा वाइटनिंग पाउडर तैयार है। मुझे किसी भी किस्म की पेडिक्योर मैनिक्योर की नीड नहीं है जब मेरे पास मेरा अपना वाइटनिंग पाउडर है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।